It's 10:30 in the morning and welcome back to the channel again guys. एक नया और fresh vlog पे आप लोगों का स्वागत है. चलिए शुरू करते हैं आज का vlog. So today is 30 of September और 29 September को मुझे एक mail आता है Google AdSense की तरफ से कि आपका जो AdSense account है उसको एक बार verify कर लीजिए for your payment purpose. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार कर लेते हैं, दो मिनट का काम है. जो फॉर्म है उसको फिलअप करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है. मैंने सोचा कि कर लेते हैं, बट वहां पर मैंने जब वो पेज आया फिलअप करने का तो वहां पर एक ऑप्शन था BIC कोड और स्विफ्ट कोड बोल के. तो वो कोड क्या है उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था और मुझे कुछ पता भी नहीं था. तो मैंने क्या किया कि कल रात को मैंने वो चेक किया था, तो कल रात को मैंने छोड़ दिया और आज मैंने सुबह उठ के वो वाला चेक किया. थोड़े दो तीन यूट्यूब वीडियोज देखे, ऐसे मेरे दोस्त हैं जो यूट्यूबर्स हैं, मैं उन लोगों को भी फोन किया बट उन लोगों को कुछ पता नहीं था. ये जो कोड है ये जनरली लगता है जब आपके अकाउंट में कोई इंटरनेशनली पेमेंट भेजता है तब ये जो कोड है ये आपका वहां पर वेरीफाई करके लगता है. जो वीडियो है ये सडनली बन रहा है और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कुछ आप लोगों को मैंने डिसीजन लिया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. तो प्रोबेबली वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये मैं जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ. सो स्टे ट्यून्ड. और अभी चलते हैं, मेरा जो ब्रांच है, मेरा जो बैंक है वो है सख्तुड़िया में. तो वहां पर जाके देखते हैं कि ब्रांच मैनेजर क्या बोलता है मुझे, क्या प्रोसीजर है. और एक दो काम और है क्योंकि मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें एक नंबर है, मुझे वो नंबर भी चेंज करना है फॉर माई पर्सनल रीजन. मुझे वो नंबर नहीं रखना है, अभी मैंने नया नंबर लिया तो वो नंबर मुझे वहां पर लिंक करना है अपने बैंक अकाउंट के साथ. तो चलिए अभी मैं निकल पड़ा हूँ बैंक के लिए और रास्ते में दो तीन और छोटे छोटे काम भी है, सुबह में मैं निपटा लूँगा. और ये जो बाइक है दिस इज़ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350. सो बहुत से लोग अभी कमेंट करने वाले हैं कि ये मेरा है, तो जी नहीं, ये मेरा बाइक नहीं है, ये मेरे भैया का बाइक है और कुछ दिनों के लिए मेरे पास है क्योंकि इसको सर्विसिंग का बहुत सख्त ज़रूरत था और मैंने सर्विसिंग कराया क्योंकि भैया पे के पास टाइम एकदम ही नहीं था, वो थोड़ा बिजी था अपने वर्क के साथ. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फ्री बैठा हूँ तो एक बार सर्विसिंग मैं करा देता हूँ. और फर्स्ट टाइम मैं अभी जा रहा हूँ ये BIC कोड और स्विफ्ट जो कोड है इसके लिए. अभी आई डोंट नो उसमें क्या प्रोसीजर है, क्या करना पड़ेगा, देंगे भी या नहीं. मुझे देना तो पड़ेगा क्योंकि मेरा पेमेंट का सवाल है और मैं जो मेल है मैं वो भी साथ में लेके आया हूँ, मोबाइल साथ में लेके आया हूँ. मैं वो दिखा भी सकता हूँ अगर वो लोग देखना चाहें तो कि हाँ क्या मेल है क्या नहीं है. और गाइस इससे पहले मैंने रॉयल एनफील्ड पे कोई मोटो व्लॉग नहीं किया है तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैमरा जो एंगल है वो कैसा आ रहा होगा. अगर एंगल सही नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस क्योंकि मुझे एकदम भी आइडिया नहीं है रॉयल एनफील्ड का. मैं फर्स्ट टाइम इस पर मोटो व्लॉग कर रहा हूँ. एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रॉयल एनफील्ड का सब ठीक है, चलने में बढ़िया है, थोड़ा हेवी बाइक है, रोड पकड़ के चलती है, बट इसका जो सर्विस कॉस्ट है और इसका जो पार्ट्स का रेट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मेंटेनेंस इसका बहुत ज़्यादा है. मैं एक बार इसको सर्विस में मैं जितना खर्च किया हूँ इस बार में, लाइक इसमें काम क्या क्या हुआ है, पूरा फुल चेन पॉकेट चेंज हुआ है, चेन किट एंड दोनों शॉकर का सामने का ऑयल सील कट गया था तो दोनों शॉकर ऑयल सील और शॉकर ऑयल दोनों चेंज हो गया और जनरल सर्विस हुआ है. बस इसमें लेबर कॉस्ट आ गया है 900 एंड जो पास्ट आया है वो अराउंड मेरे हिसाब से 3500 का आया होगा. ठीक है, मतलब 3500 रुपये खाली पार्ट्स आया है और 900 रुपये इस पर सर्विसिंग चार्ज लेबर चार्ज. तो मान के चलिए 4400 या 4500 रुपये मुझे पड़ गया एक सर्विस का. तो मान लीजिए इतना में मैं दो बाइक सर्विस करा लूँ अपना. तो सोच रहा था कि मैं रॉयल एनफील्ड पर स्विच कर जाऊँ, मैं भी एक रॉयल एनफील्ड ले लूँ, बट जो सर्विस कॉस्ट मैंने देखा उससे पता चला कि नहीं भाई ये बाइक हम लोगों के लिए नहीं बना है.
और एक्चुअली ये इस ये सब बाइक, ये जो बाइक है ये क्रूसर बाइक है, ये स्पोर्ट्स बाइक नहीं है। मतलब इसमें वो फील नहीं है कि हाँ टोटल दिया एक बार निकल गया एकदम कटवुट मार दिए, वो सब इसमें नहीं होगा। हाँ आप लॉन्ग टूरिंग करना चाहते हैं, एक एक दिन में 500-600 किलोमीटर चलाओ, तब आपके लिए ये बाइक सही है। लेकिन हम लोगों के लिए जो कम एज का लड़का लोग हैं, हम लोगों के लिए ये बाइक एकदम ही नहीं है। और मेरे घर से मेरा जो बैंक है वो ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 9-10 किलोमीटर होगा। बट ये जो रास्ता ये अभी बन रहा है और बहुत ख़राब है रास्ता ये। अभी देखिए ये क्या कर रहा है। तो लगभग मैं पहुंच चुका हूं और यहां से हार्डली 500 या 600 मीटर ही होगा। रास्ता का अगर हालत देखिएगा तो आपको ख़राब ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर काम होता ही रहता है। देखिए यहाँ पर भी काम हो रहा है, आई डोंट नो अभी हो भी रहा है मतलब क्या काम हो रहा है। तो मैं पहुंच चुका हूं बैंक और ये राइट साइड में है SBI का बैंक। और अभी बाइक लगाते हैं यहां पर और चलते हैं अंदर और देखते हैं कि भीड़ कैसा है और क्या काम होता है। सो स्टे ट्यून्ड।